हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था एसिड, बेस, सॉल्ट और पीएच स्केल के बारे में। इस क्लास में हम बेसिकली पीएच स्केल की हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे और सॉप और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। फर्स्ट, एसिडिटी इन स्टोमक। सेकेंड, टूथ डिके। थर्ड, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। फोर्थ, एसिड रेन। और फिफ्थ, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच स्केल से रिलेटेड हमारा फर्स्ट टॉपिक है एसिडिटी इन स्टोमक। जब हमें एसिडिटी फील होती है तो हमारे पेट में जलन और दर्द स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में जो HCl है वो ज़्यादा अमाउंट में बनने लग जाता है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। HCl के ज़्यादा बनने से हमें पेन और इरिटेशन फील होती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम बेस का यूज़ करते हैं। जो हम इनो यूज़ करते हैं उसमें बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पेट में जो HCl है उससे रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और इसकी एसिडिटी कम हो जाती है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वह रिएक्शन एसिडिटी इन स्टोमक में भी काम आती है। पीएच वैल्यू से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टूथ डिके। हमारे मुंह की जो पीएच है वो अप्रॉक्स 6.5 होती है। आफ्टर टेकिंग फूड सम बैक्टीरिया इन आवर माउथ रिएक्ट विथ रिमेनिंग फूड ऑन टीथ। हम जब खाना खाते हैं तो कुछ फूड पार्टिकल्स दांतों में फंसे रह जाते हैं और बैक्टीरिया उनसे रिएक्ट करके एसिड को प्रोड्यूस करते हैं और ये एसिड हमारे मुंह की जो पीएच है उसको डिक्रीज कर देता है। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगी, एसिडिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हमारे मुंह का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों की इनेमल ख़राब हो जाती है। इससे दांतों की लेयर ख़राब हो जाती है और वो टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को हम टूथ डिके कहते हैं। सो आफ्टर टेकिंग फूड वी शुड क्लीन आवर माउथ बाय बेसिक सॉल्यूशन और टूथपेस्ट। हम जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं उसमें भी बेसिक सॉल्यूशन होता है सो दैट टूथ डिके कैन बी कंट्रोल, जिससे टूथ डिके कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट है स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। आपने कभी देखा होगा कि जब मधुमक्खी काटती है तो वहाँ की स्किन में स्वेलिंग आ जाती है और दर्द स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो मधुमक्खियाँ हैं, बिच्छू हैं, इनके स्टिंग में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है और जब ये हमारी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो हमें पेन और इरिटेशन फील होती है। जब हम स्किन पर कोई बेसिक सॉल्ट या बेसिक सॉल्यूशन लगाएंगे तो वो इसके पावर को कम कर देगा और हमें इरिटेशन और फील से राहत मिलेगी। नेक्स्ट है एसिड रेन। रेन वाटर इज कंसिडरेट प्योर वाटर बट नाउ अ डेज ड्यू टू पॉल्यूटेंट इट्स पीएच इज डिक्रीजिंग। आपने देखा होगा कि अब जो बारिश होती है उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, इसलिए हम उसको एसिड रेन बोलते हैं। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड के कारण भी होती है। इस टाइप की रेन से हमारे फसलों को नुकसान होता है और हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी खराब होता है। वी कैन कंट्रोल एसिड रेन बाय कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। जब हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तब हम एसिड रेन से होने वाले इफेक्ट से बच सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। हम कोई भी मिट्टी में जब फसल उगाते हैं तो हम उसका पीएच लेवल मेज़र करते हैं, जिससे हम जो फसल उगा रहे हैं उसकी ग्रोथ अच्छी हो। वी कैन सेलेक्ट अ क्रॉप टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ फील्ड बाय डिटरमाइनिंग पीएच वैल्यू ऑफ द सॉइल सो दैट मोर प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप मे बी ऑक्योर्ड। अब हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी डेली लाइफ में यूजफुल होते हैं। फर्स्ट इज सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन सॉल्ट। जो हम खाने में यूज़ करते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है। दिस सॉल्ट इज़ फॉर्म्ड बाय स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में रिएक्शन होती है तब एक सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड।
पीएच वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 7। इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, ये एक न्यूट्रल होता है क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं और इसी के कारण ये सॉल्यूशन बनता है। सो दिस सॉल्ट इज न्यूट्रल इन नेचर। सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर इन कमर्शियल स्केल। आपने देखा होगा कि हम जो नमक प्राप्त करते हैं वो सी वाटर से हमें मिलता है, इसकी इवेपोरेशन होती है कमर्शियल स्केल पर, तब हमें ये सॉल्ट मिलता है। जब हम इसे समुद्र से डायरेक्ट लेते हैं तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की। इसको प्योरीफाई करने के लिए इससे HCl गैस को पास करवाया जाता है जिससे हमें सोडियम क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिलता है। फिर इसको फिल्ट्रेशन की प्रोसेस से सेपरेट करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और ये वाटर में सॉल्युबल होता है। सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है वो आयनाइज्ड हो जाता है। अब है इसके यूजेस। इसको कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट कहा जाता है क्योंकि हम इसको खाने में यूज़ करते हैं और इसका यूज़ फूड प्रिजर्वेटिव में किया जाता है। जब हम किसी खाने को ख़राब होने से बचाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, तो एज ए फूड प्रिजर्वेटिव भी ये काम करता है। नेक्स्ट यूज़ है इसका फ्रीजिंग मिक्सचर में और मैनी कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है, मतलब हाईएस्ट वैल्यू होती है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। ये तब बनता है जब हम सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इन दिस मेथड क्लोरीन गैस इज रिलीज ऑन एनोड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ऑन कैथोड। इसमें क्लोरीन गैस तो एनोड पर बनती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनती है, और हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन कैथोड के आसपास जमा हुआ मिलता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। ये एक सॉपी सब्सटेंस है, मतलब साबुन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 591 केल्विन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में सॉल्युबल होता है और ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर में। इसका यूज़ सॉप बनाने में, पेपर बनाने में, सिल्क इंडस्ट्री में और अदर केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। इसका सेकंड यूज़ है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। इन द प्रिपरेशन ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स इट इज़ यूज्ड एज अ लेबोरेटरी रिएजेंट। लैब में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। केमिकल नेम इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राइड लाइम। जब हम ड्राइड लाइम पर क्लोरीन गैस को पास करवाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर जनरेट होता है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं। ये येलो कलर में होता है और इससे स्मेल रिलीज होती है। ये वाटर में सॉल्युबल है लेकिन वाटर कॉल्ड होना चाहिए। थर्ड है रिलीज क्लोरीन गैस ऑन कीपिंग ओपन इन एयर। जब इसको एयर में रखा जाता है तो इसमें से क्लोरीन गैस रिलीज होती है। जब ब्लीचिंग पाउडर की किसी डाइल्यूट एसिड या वीक एसिड से रिएक्शन करवाई जाती है तो इसमें क्लोरीन गैस पास होती है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है और टेक्सटाइल और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। इसका यूज़ मोस्टली वाटर प्योरिफिकेशन में होता है और इसको लैब में एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में भी काम लिया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है बेकिंग सोडा। इसको हम इटेबल सोडा भी बोलते हैं क्योंकि हम जो खाने में यूज़ करते हैं सोडा वो बेकिंग सोडा ही होता है। इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। बेकिंग सोडा को सोडियम क्लोराइड से बनाया जाता है और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन पर पास करवाते हैं तब भी वहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बेकिंग सोडा बनता है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और यूजेस हैं।
ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है और इसका सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है क्योंकि सोडा हमेशा बेस होता है। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, जो हमारे खाने में अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं और उसको हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी और हम जो खाना बना रहे हैं वो एकदम फ्लफ़ी होगा, स्पंजी होगा। इसको एज अ बेकिंग पाउडर यूज़ किया जाता है और सोडा वाटर में और सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। जब हमें एसिडिटी हो जाती है तब ये एक एंटा एसिड की तरह काम करता है और इसको फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम लिया जाता है क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो आग को बुझाने में काम आती है, इसलिए इसको अग्निशामक यंत्र में यूज़ किया जाता है। लैब में भी इसको लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास वॉशिंग सोडा। इसका केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O होता है। 10H2O को हम डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और ये भी क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो सॉल्यूशन है वो भी नेचर में बेसिक होगा, बेस होगा। इसका यूज़ हम वॉशिंग और क्लीनिंग के लिए करते हैं। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, ग्लास, सोप और बैरक्स। यूज एज डिटर्जेंट, इसका डिटर्जेंट में भी यूज़ किया जाता है। यूज इन पेपर, पेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यूज एज ए लेबोरेटरी रिएजेंट। नेक्स्ट कंपाउंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम, ऑल्सो कॉल्ड POP। जब हम जिप्सम को हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस एज अ कंपाउंड मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2O होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला CaSO4 1/2H2O होता है। यहाँ वाटर के मॉलिक्यूल्स हाफ हो जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट, स्मूथ और सॉलिड सब्सटेंस होता है। इट्स बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन मिक्सिंग वाटर। जब इसमें वाटर को मिक्स किया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है। जब हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो हमें डॉक्टर प्लास्टर देता है। वो प्लास्टर प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। सो यूज्ड एज ए प्लास्टर टू जॉइन फ्रैक्चर बोन। सेकंड है यूज्ड, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्टेच्यूज। इसका यूज़ फायर प्रूफ मटेरियल्स को बनाने में, स्टेच्यूज बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉप एंड डिटर्जेंट। हम जो साबुन और डिटर्जेंट यूज़ करते हैं उनके बारे में। सोप्स आर वाटर सॉल्युबल सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। सोप जो होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होती हैं और ये किससे बनती हैं? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के फैटी एसिड से बनती हैं। दीज आर मेड बाय हीटिंग फैटी एसिड्स विथ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को फैटी एसिड्स के साथ गर्म करते हैं तो हमारे सोप और डिटर्जेंट बनते हैं। इस प्रोसेस को सेपोनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। इन दिस मेथड सॉप गेट सेपरेटेड बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। पोटेशियम सॉप्स आर मोर सॉफ्ट, हेंस यूज्ड इन शेविंग शैम्पू। पोटेशियम से बनी हुई साबुन ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसलिए उसका यूज़ शेविंग और शैम्पू में किया जाता है। जो ट्रांसपेरेंट सॉप होती है जैसे पियर्स, उनमें ग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है उनको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। दो तरह के वाटर होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो वाटर होता है जो साबुन के साथ झाग बनाता है, लेदर बनाता है, वो सॉफ्ट वाटर होता है। वाटर दैट लेदर विथ सोप एंड सर्फ, सॉप्स वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर। जब साबुन पानी के साथ अच्छे से झाग बनाती है तो वो पानी सॉफ्ट वाटर होता है। नेक्स्ट है हार्ड वाटर। जब कभी पानी के साथ साबुन का यूज़ करने पर झाग नहीं बनते हैं तो वहाँ पर हार्ड वाटर होता है। इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की, इसलिए ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इन दिस वे सॉप्स आर अनेबल टू क्लीन क्लोथ्स इन हार्ड वाटर। इसलिए हार्ड वाटर के साथ
साबुन झाग नहीं देती और क्लोथ्स जो हैं वो अच्छे से साफ नहीं होते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। दीज आर यूज्ड इन क्लीनिंग पर्पस। डिटर्जेंट आर सोडियम एल्कलाई सल्फोनेट और सोडियम एल्कलाई बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। दीज सिंथेटिक डिटर्जेंट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन, ये वाटर पॉल्यूशन फैलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सॉप, कि कपड़े सॉप से कैसे साफ हो जाते हैं और मिसेल क्या होती है। सॉप्स और डिटर्जेंट जिस प्रोसेस से क्लोथ्स को क्लीन करते हैं वो प्रोसेस मिसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। अ सॉप मॉलिक्यूल कंटेन ए हाइड्रोफिलिक पोलर हेड एंड हाइड्रोफोबिक नॉन पोनल टेल। जब सॉप्स वाटर में आयोनाइज होती हैं तो मॉलिक्यूल्स को अरेंज होते हैं, ऑयल डर्ट जो है वो अलग हो जाएगी और जो मिसेल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे। डर्ट पार्टिकल्स वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के साथ सॉल्युबल होते हैं। ड्यूरिंग मिसेल फॉर्मेशन सॉप मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिसेल अराउंड डर्ट। जब हम सॉप का सॉल्यूशन बनाते हैं तो डर्ट के चारों तरफ जो गंदगी होती है उसके चारों तरफ एक लेयर बन जाती है, मॉलिक्यूल्स जम जाते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को ही हम मिसेल कहते हैं। मिसेल का दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक पार्ट और हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो ऑयली डर्ट होती है, जो गंदगी होती है, उसको अट्रैक्ट करता है और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर के साथ अलग होता है आउटसाइड में। मिसेल डर्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ हो जाती है और उसको साफ कर देती है। ऑल मिसेल्स आर नेगेटिव चार्ज्ड। ये मिसेल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है। इसके हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो पोलर हेड होता है और हाइड्रोफिलिक पार्ट नॉन पोलर टेल होता है। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।